एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्लेप ऑन की नई वीडियो, वो है वियर्डेस्ट फैशन डिकोडेड उर्फी जावेद। ओके, तो मतलब पहली बार स्लेप पॉइंट उर्फी जावेद के वीडियो पे इतना लेट होके रोस्ट बना रहा है। एंड ये डीकोड का क्या सिलसिला है आज, तो मतलब डीकोडिंग लिखा हुआ है वियर्डेस्ट फैशन डिकोडेड। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय स्लेप पॉइंट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। कुल्फी बेटा बाहर से कपड़े ले आना। हाँ मम्मी। हाय हाय, मेरा शर्ट, मेरी बेल्ट, मेरा हेयर क्लिप, वाह, मेरी स्कर्ट। मैं उर्फी जी का सबसे बड़ा फैन हूँ। Here's my closet. My daily outfit. मैं टेलर के पास जा रहा हूँ। इसमें क्या बनवाने वाला है? अरे थैली का ही तो बनवाना था यार, ये वॉशिंग मशीन में धो दे यार, इससे तो मशीन टूट जाएगी। तो सही है ना, उसके टूटे पार्ट्स का भी नया ड्रेस बना लेंगे। अरे वाह, हर जगह आजकल यही चल रहा है। अरे कद्दूकस चला दिया क्या शॉर्ट पे? कार्टून नेटवर्क पे भी बिजली गिराने उर्फी आ रहे रे रे। कहते हैं मुझको उर्फी आई। उर्फी आई, इस बीमारी का वुहान ढूंढना ही पड़ेगा, जिसके लिए पेशेंट जीरो मुझे पहले ही मिला हुआ। वो की शहजादी मैं हूँ हर दिन। अब यार ओ आई हाय, बियर ग्रिल्स वाला पीछे। तो फोटो स्टूडियो भी चलाती है, वाओ यार। एक पासपोर्ट साइज फोटो खींचना मेरा भी। अबे चुप, आज क्या बन के घूम रहा है? आज का थीम है टपरी। टपरी की चाय, स्ट्रॉ, इसमें पोहा सब होगा, ये है बन मस्का, और खा के हो गया तो टिश्यू से मुंह भी पोछ लो। ताजे अंडे रखता हूँ इसमें फॉर फ्रेश ऑमलेट्स। फैशन बिल्कुल अपने फेवरेट उर्फी जैसे। ज्यादा फेवरेट लग रही है। तुझे पता है वो कहाँ से आई है? जहाँ से सब आते। ये ट्वीट पर, I was sent on earth sent to piss people off and I think I'm doing a great job. Great नहीं, best ever job. Sent on earth. लोगों को तो पहले से ही शक था और मैंने क्रैक कर लिया है। जादू टमाटर की बोरी पहनता है और ये आलू की। ये चलता constipated penguin जैसे है और ये भी। देर हो रही है। ये जल्दी पहुँचते हैं। जादू धूप खाता है और ये एयरपोर्ट की लाइट खाती है। जादू के नाम में है 5 लेटर और उर्फी में भी 5। मतलब उर्फी जादू की गर्लफ्रेंड। जादू भारी स्टार निकला है। एक गवार, उर्फी ही जादू है। जादू को कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो ठीक कर देता है और ये पहन लेती है। इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तुझे क्या लगता है ये बार बार एयरपोर्ट क्यों जाती है? ये चेक करने के लिए कि स्पेसशिप उसे वापस लेने के लिए आया कि नहीं। अबे फ्लाइट लेने जाती है वो। उर्फी का बैंक बैलेंस भी पता है क्या? बैंक बैलेंस वो अपना शरीर बैलेंस कर ले पहले। इस प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी अलग है कि यहाँ उसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। इनके लिए 24 घंटे भूकंप भी चल रहा है। स्टॉक मार्केट से ज्यादा तो ये गिरती रहती है। बार बार गिरना क्या बोलते हैं? बैलेंस। और इम्बैलेंस में कौन से वर्ड के लेटर्स होते हैं? ए एल आई ई एन। वाओ, और बॉटमी नाम में किसके लेटर्स है? जी यू गू। डिटेक्टिव निकल यार, तुझ जैसे चोर बाजार में भी बार्गेनिंग करने वाले कभी नहीं समझेंगे असली फैशन आइकन को। डाइनिंग टेबल से बनाया, पता है वो डाइनिंग टेबल का जो कवर होता है। सोच तूने ये पहना हुआ है और तुझे गंदी गैस हो गई। ये पहन के पादूंगा तो प्लास्टिक पे भाप जम जाएगा यार, सबको पता चल जाएगा। नहाने के बाद जैसे शीशे पे अपना नाम लिखते हैं, वैसे मेरे पिछवाड़े पे लिख देंगे। बट एलियंस को थोड़ी गैस होती है। तू अपने घर का टेबल कवर पहन भी नहीं सकता। अरे पैन में पीला पीला क्या लगा है? अरे वो नहीं, कल दाल गिर गई थी टेबल पे, एक साइड से कहीं जला हुआ। पोस्ट ऑफिस के सामने अचार के दाग लगे। अरे और ये देख, ये नेकलेस पक्का उसने
करके तनिष से लिए बता रही हूँ। अरे ताला मारा है ताकि कोई उर्फी जी का दिल ना चुरा ले। अरे डिजाइनर होती ये अब खोलते बैठ। अरे ये निकलेगा नहीं यार, ये कितनी अच्छी है, इकलौती ऐसे जिसने साइकिल लूटने की जगह सिर्फ उसका चेन और ताला लूटा। हाँ उर्फी मनी हाइस्ट में होती तो पैसों की जगह बैंक की सिर्फ कुंडी तोड़ के ले आती उसका भी ड्रेस बना लेती। गुड आइडिया, गुड आइडिया। बात समझ ही नहीं रहा, ये देख मार्स के एलियंस की जिलेट मार्क 3 टर्बो। जिलेट गार्ड का प्लैटिनम ग्रेड चले एक नहीं 7 शेप था। अरे लड़कों का लिटरली काट देती है। आई मेड अ परफेक्ट ड्रेस फॉर इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स पर इससे तो और 10 लोग आएंगे मेरे पास कि ड्रेस से दाढ़ी छील दो, आलू छील दो, अनानास छील दो। कुछ नहीं, बस उर्फी मैम को चाय पे बुला लिया था। कुछ नहीं, उर्फी मैम को हाय बोलते समय हग कर लिया था। और तू ये सेम पहन के बैठेगा कैसे? पूरा ही छिल आए यार, आम छिल दे। अबे छिल तो गए, दो से 10 पीस हो गए। बैठना है क्यों? हम फिट है, हम दिन भर खड़े रहते हैं, बहुत फिट है। अच्छा हाँ फिट तो है, साइकिलिंग जो करती है। चेन टूट गई, ओ नो, अब इसको ठीक कर। अजी घंटा वो भी पहन लिया। देखो we believe in recycling। तो जो खराब होगा वो पहन लोगे क्या? वही तो भी खराब है। पहले यार उसकी तबीयत खराब है। यार मेरा दिमाग ही खराब है। दिमाग पहन लो। मस्त आइडिया यार। वो इनसे पूछे कि कपड़े कहाँ से लिए? बिग बाजार, मिंत्रा, नहीं पंकज साइकिल रिपेयर। तू जाके अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग भाई से क्यों नहीं कर लेता फिर? टायर्स, हाँ टायर्स मम्मी पे बड़े अच्छे लगेंगे। गर्लफ्रेंड गेयर पहनेगी, मैं चेन, दोनों साथ में घूमेंगे। फॉरेन में कोई सेम चीज पहने तो वाह सुपर मॉडल फैशनिस्टा, इंडिया में करे तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। कोई कुछ भी कपड़ा पहने ना उसकी मर्जी, पर कोई ह्यूमन, टूटा हुआ कांच, लोहा, कॉटन कैंडी, फोन, फल, कचरे की थैली क्यों पहनेगा कैसे? अरे उनको पहनना पड़ता है क्योंकि माय बॉडी इज एलर्जिक टू क्लोथ्स, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई वेयर लाइक फुल क्लोथ्स, लाइक माय बॉडी इज एक्चुअली allergic to clothes guys। पांडे को दिखाओ ये असली स्ट्रगल। बॉल पहना दो, कांच पहना दो तो अब नहीं होती एलर्जी। क्यों? क्योंकि कॉटन उगता ही नहीं होगा इसके प्लेनेट पे, इसीलिए हो रही है एलर्जी। एलियन, अरे इसे तो इतना भी नहीं पता कि जीन्स पैंट होती है। ये तुम लोगों को पहनना चाहिए ऐसे क्या? इसे कोई कह दे मैम आपका जिप खुला है तो ये पूछेगी ऊपर वाला या नीचे वाला। बोले कि अपनी फोटोज कहाँ लगाओगी? इंस्टा, FB? नहीं, पेट पे, बगलों में, कमर पे। तू पहनेगा ऐसा? इतनी फोटोज, लड़कियाँ फिर भी ये ट्रेंड कर सकती है। हम लड़के जो साल की एक सेल्फी लेते हैं उससे क्या क्या ढके, और एक मनुष्य शक्ल काफी नहीं है कि 25 लगा के घूम। वही तो, वॉच तो पूरा इंस्टाग्राम फीड बन के घूम रहा हो। और ये क्या क्या तूने? अरे डबल टैप टू लाइक। बटन पे लाइक्स नहीं, ठीक है ये ठीक। और ये इतना भागती क्यों रहती है? किससे भाग रही है? मेरे इन्वेस्टिगेशन से। अरे जब साइकिल के पुर्जों पर 50% छूट चल रही हो। तू जैसे गवार और ये मीडिया के बुड्ढे कभी फैशन नहीं समझ पाओ। उधर वो न्यूज वाले कोबरा स्नेक आउटफिट को लिख रहे ग्रीन लुंगी ड्रेस। लुंगी तो मैंने भी क्या धोती पहनी है ये मैंने। अरे बाप रे, धोती खोल रहा है। और यहाँ उर्फी मैम पूरा ओशन पहन के आई है। और ये उर्फी का पत्ता गोभी अवतार सामने आया। उर्फी का पत्ता गोभी अवतार, पत्ता गोभी अवतार, पत्ता गोभी। अब ये टिफिन में आलू गोभी लाए तो इन्हें सब गोभी दिख रहा है भाई। नीली पत्ता गोभी, नंबर चेक कराओ आँखों का। 20 किलो में थोड़ी बिक्री है वो ड्रेस। टेलर ने कपड़े के साथ फ्री धनिया भी दिया होगा फिर। अगर ये एलियन है तो ये धरती के सारे तौर तरीके सीख के इतनी फेमस कैसे हो गई? तू वो बता। पप्पी से, जहाँ राखी की सारी मीडिया आकर्षित करने वाली शक्ति इसने अपने में ट्रांसफर कर ली। आज के
आपका 5 years सब लोग बड़ी बड़ी सब तुमको ही कॉपी करने वाले हैं, सब तुमको ही कॉपी करने वाले हैं, सब लोग तुमको ही कॉपी करने वाले हैं। मैं अपने दादा को सिर्फ साइकिल की चेन पहने हुए नहीं देख सकता, पता चला हमारा चाचा शर्ट से रजनीकंदा तोड़ तोड़ के खा रहा है। ऊपर नीचे सब ऐसे ताला मार के घूमने लगे तो नीचे का ताला भाई, इसकी एक्स्ट्रा चाबी मैं नहीं दे रहा पड़ोसी को, ये घर की, ये गाड़ी की, ये चड्डी की, ऐसे घूमना पड़ेगा। अब समझ रहा है ना तू? पर एटलीस्ट उर्फी जी मेरा फेवरेट स्पोर्ट तो खेलती है, अपने प्लेनेट के विराट तो हो स्टुअर्ट बिनी है। विकेट कहाँ है? वो टेलर को दे दिया होगा अगला ड्रेस बनाने। रेड पहन के बिल्कुल आरसीबी जैसी बैटिंग। देख तो उर्फी सपोर्ट किस टीम को करती है। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है। नहीं यार, मैं उर्फी जी के लिए क्या कुछ नहीं पहना, वो एक सही जर्सी नहीं पहन सकती, सांपों को अपना आइडल बना रखा था मैं लिटरली। और मेरा फाइनल एविडेंस, जब उर्फी के मुंह से गलती से उसका मिशन बाहर आ गया। अभी अभी तक कोई ऐसा चीज बचा है जिससे आप ड्रेस ना बनाए हो? इंसान की चमड़ी तो अभी तक बची हुई है, किसी को मार के किसी की चमड़ी की ड्रेस कितनी अच्छी लगेगी ना, किसी को मार के चमड़ी की ड्रेस कितनी अच्छी लगेगी ना। छाधारी एलियन बची हुई है, अपनी चमड़ी देना तो इतना ही बड़ा फैन है तो। नहीं नहीं, इंसानी लेदर नहीं नहीं, लोग अरमानी पहन लेते हैं तो अभी उन्हें तो पहन ही लेगी। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं पहनना, बस पैंट शर्ट दे दे, मुझे पैंट शर्ट दे दे, मैं पैंट शर्ट दे दे। तो चल फिर, एक ही काम बचा है। क्या? इसे वापस भेज रहे थे, गलती से 5 और बुला लिए। उर्फी का भाई बर्फी, कुल्फी, सेल्फी, जूफी, कुल्फी, नहीं। अरे फिर से वापस बुला लिए। ये बात तो सही है, राखी सावंत ने जो बोला था ना कि 5 साल बाद तुम्ही को सब कॉपी करने लगेंगे, और ये सच हो रहा है यार। धीरे धीरे सब लोग उर्फी के जैसे कपड़े पहनने लगे हैं, हम तो देख ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो रोस्ट आ रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है, देश किधर चल रहा है? आगे बढ़ तो रहा है लेकिन ये आगे कैसे बढ़ रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है ना यार। सच में ये डिकोड करने के लिए ना स्लेप पॉइंट वेरी नाइस, प्लीज उर्फी को फिर से भेज दो यार ऊपर। She has been, मतलब एलियन ही है। So yeah, that is it for today. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।